आज कई बच्चों को बुरा लगेगा क्योंकि मैंने आपको बोला है, लेकिन ये आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ बेटा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो ढलान आती है उसमें आप ना गिरे, यहाँ से आप ऊपर उठे। जो उठने का तरीका है वो यही है, बट उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा, अपनी हजारों करोड़ों इच्छाओं को दबाना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट। देखो आप घर पे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किस टेम्परामेंट में, क्या पता कोई बच्चा डिप्रेशन हो। जब पढ़ाई जा रही है तब तो सीरियसली बात कर रहा हूं मैं, उस समय आप क्या कर रहे हो, चुपचाप पढ़ाई करनी है। बेटा आप अपने आप को एक्सक्यूजेस मत दीजिएगा, मैं बता रहा हूं। अगर आपको खुद को एक्सक्यूजेस देने स्टार्ट कर दिया, आपको कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। और उस तरीके से पढ़ाई करिए कि आप ये मान के चलिए कि अगले महीने आपका एग्जाम है जेईई मेंस, उस समय आप क्या करोगे। आप में से कई सारे बच्चे जो अभी मैं देखता हूं कई बार बोलते हैं सर इतना लंबा लेक्चर, बेटा मैराथन होगी ना जब, ठीक है, तुम बैठे रहोगे 9-9 घंटे, सर पढ़ाओ सर हम पढ़ने के लिए तैयार है सर, तब ये नारे लग रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे साल नहीं पढ़ा। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो सीरियसली बैठे होते हैं, नहीं तो मेजोरिटी बकैती कर रहे होते हैं वहां पर। उस समय क्यों पढ़ने का मन कर रहा होता है, आज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उस समय एग्जाम आ चुका है पास में। इसलिए मैं सर आप 12 घंटे पढ़ाओगे ना तब भी पढ़ लेंगे हम, आज क्यों नहीं पढ़ रहा भाई 12 घंटे खुद से, 3-3 घंटे अगर टीचर खड़ा है तू क्यों नहीं खड़ा है वहां पर, क्योंकि सर अभी टेस्ट नहीं है ना। एनालाइज करो कि तुम कर क्या रहे हो अपने करियर के साथ, इतना पढ़ो कि उस दिन आराम से 9 घंटा तुम सो लो, ये ना हो कि भाई लंबा पढ़ना पड़ेगा आज बैठ के, क्योंकि पूरे साल नहीं पढ़े। और आखिरी में ना तुम्हें लग रहा होगा कि एक साथ इतनी इन्फॉर्मेशन ले लोगे, नहीं, प्रैक्टिस तुम अगर तुमने पढ़ा है तो प्रैक्टिस मैराथन का तभी बेनिफिट है जब तुम पढ़ के आ रहे हो। कुछ बच्चे आते हैं सर आप बेसिक से पढ़ा दो, बेसिक से वो पढ़ने का समय नहीं है भाई, 2 साल दिए गए थे तेरे को, वहां से पढ़ना था, यहाँ प्रैक्टिस करनी है। प्रॉब्लम बहुत है पर कोई रिजॉल्व नहीं कर पाता, और ये सब प्रॉब्लम इस वजह से आई है क्योंकि तू अपनी इच्छाओं को होल्ड नहीं कर पाता। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीत जाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीत जाने का मजा ही कुछ और है। जो ये डेली बेसिस पे आपको हार का सामना करना पड़ रहा है, कभी कभी होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, कभी कभी सवालों पे अटक जाते हैं, कोई बात नहीं, इन्हीं छोटी छोटी हार के बाद में बड़ी जीत आएगी, बट उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा, अपनी हजारों करोड़ों इच्छाओं को दबाना पड़ेगा, अपने आप को ये बार बार समझाना पड़ेगा कि हाँ ये जो स्क्रीन पे दिखने वाला इंसान है ये हमारा भला चाहता है और ये जो बोल रहा है हमें ये फॉलो करना चाहिए। अगर आप इस बात को समझ गए तो रिजल्ट की ओर बहुत जल्दी से बढ़ोगे। आज कई बच्चों को बुरा लगेगा क्योंकि मैंने आपको बोला है, लेकिन ये आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ बेटा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो ढलान आती है उसमें आप ना गिरे, यहाँ से आप ऊपर उठे। जो उठने का तरीका है वो यही है। जिसका लक्ष्य बड़ा होता है उसे तकलीफों का एहसास कभी नहीं होता, और जिसे तकलीफों का ज्यादा एहसास होता है उसका लक्ष्य कभी बड़ा नहीं होता।